ये देखें, ये नहा चुका है और अभी लेट गया है, तो अभी मैं अपने दूसरे बेबी को नहलाने लगी हूँ इस गंदे बच्चे। ये मैं अपने ससुर के लिए खाना लेके जा रही हूँ, वो ऐसा ही खाते हैं क्योंकि उनको नमक मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद। करेले, प्याज करेले, देखते हैं कैसे बनते हैं। ये देखें, आप मुंह पे चपेड़े मार रही है, इतनी शदीद वाली गर्मी है। टमाटर ये देखें, कासिम मेरे पे सारी बुक्स रखी हुई हैं, अभी मैं कासिम को पढ़ाने लगी हूँ। ये कासिम बैठा हुआ और अभी कासिम को मैं पढ़ाने लगी हूँ, ये देखना कासिम भी पढ़ेगा। आगे ए फॉर, अच्छा पहले बताओ ए फॉर। तो क्या, मैं अभी रोटी पकाने लगी हूँ, ऑयल रखा हुआ है, मैंने पेड़े किए हैं अभी। तो देखिए आटा जो है वो बिल्कुल हो गया है सॉफ्ट, तो अभी इसमें रोटी बनाने लगी हूँ। रोटी मैंने डाल दी है, मसाले के बाद मैंने करेंगे और प्याज और टमाटर मिक्स करके बनाएंगे, पता नहीं कैसे बने। बाकी लोग बैंक के सामने साथ में जो रोटी है, रोटी पहले आपका मसाला बनेंगे, फिर चलते हैं उनको खाना देने के लिए। वन टू थ्री टेस्ट, और देखिए खाना सीखे। अभी हम लोग जाने लगे थे ज़रा सा बाहर, और मैंने कहा चलो जी मैं थोड़ी सी वो करूँ, व्लॉग बना लेती हूँ, तो फिर बाकी व्लॉग बैठ जाकर बनाती हूँ। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, थोड़ी देर के लिए आई थी तहसीब में, मैंने कहा ज़रा क्यों ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। और ये देखें मैं अभी आइसक्रीम खा रही, मैंने गुड मॉर्निंग, अभी मैंने जो है ना ये अगले सुबह का आगाज़ है, अभी ये दोनों मिक्सअप व्लॉग करके मैं अपलोड करूँगी। अभी मैंने धोने हैं कपड़े, बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन क्या करें, अभी धोने हैं। ये डस्टिंग वाला कपड़ा पड़ा हुआ है, अभी वो भी डस्टिंग किया, अभी अभी रूम की जो है वो सफाई की है। और अभी जो है ना ये देखें, मैं अपने साइड टेबल पे क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, क्लोबो वेट ये ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनको ना बहुत ज़्यादा दानों का इशू है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जैसे पेट के दाने होते हैं वो निकल आते हैं इस वजह से। और ये मोज गार्ड ये ज़रूर रखती हूँ क्योंकि जैसे कि गर्मियाँ हैं, गर्मी में जो है बच्चों को मच्छर वगैरह जैसे काटते हैं, तो इस वजह से ये भी आप ज़रूर रखा करें, अपने बच्चों को जो है ना वो ज़रूर लगाया करें। इसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट ग्रीन टी, ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है, और आप लोग भी ज़रूर मंगवा के तो ये जो है ना इस्तेमाल करें, ये बहुत बहुत मुफीद है। सिरिलैक पानी और ये सारी चीज़ें हैं। और अभी बस कपड़ों की तरफ चलते हैं, अभी बस कपड़े धोने हैं, कपड़े धो के तो फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। अभी रखे हैं सारे कपड़े, मेरा दिल है कि इधर ही वॉश बेसन के अंदर ही धो लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। कासिम देखें अभी कैसे टप में बैठा हुआ है, गर्मी देखिए, माय गॉड बहुत ज़्यादा शरीर गर्मी है। कपड़े मैंने अभी स्टिल धो लिए हैं, और ये आधे जो है इधर दो भी चादरें मैंने फैला दी हैं, सारे कपड़े जो है अभी सारे वॉश कर लिए हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं। जी अभी मैंने अपना व्लॉग जो है वो एंड करना था, ये मैंने नेल पेंट लगाई थी लेकिन बहुत गंदी सी लग गई है, मैंने एक रील बनानी थी उसके लिए लगाई थी लेकिन फिर भी ये कोई सही सी नहीं लगी, ख़राब हो गई है। अच्छा जी मैंने अभी जो है वो अपना व्लॉग एंड करना था, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अभी बस मैं अपने बच्चों को सुलाने लगी थी और इसकी हालत देखें, ये अभी खेल कूद में मसरूफ़ है। और ठीक है आप लोग बताइए कि मैंने कैसी नेल पेंट लगाई है, हाथों में कैसी लग रही है,
और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह।